अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के स्टार्ट हो गए हैं। अभी आपने तीन चार क्वेश्चन जो डिस्कस किए 13, 14, 15, 16 पूरा का सर सेम ही क्वेश्चन थे, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, दो नंबर फाइंड करने थे एक्स एंड वाई, आपने इजिली फाइंड कर लिया। बट यहाँ थोड़ा समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से यहाँ पे ज़्यादा आने वाले हैं। देखो समझते हैं, अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इन टू द बॉक्स विदाउट टॉप। हमने उसे क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया विदाउट टॉप, उस पर छत नहीं है। बाय कटिंग द स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स, ठीक है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट। बताओ हमने कितना साइड कट किया स्क्वायर में से, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल, जिससे उसका वॉल्यूम कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, समझते हैं। तो पहले मैं रफली फिगर बना लूँ एक, मान लो कोई स्क्वायर बॉक्स इस तरीके का है, ऐसे ही होता है, इसकी साइड क्या गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। और आपने बच्चों क्या किया, यहाँ से एक कट गया, एक इस देखो क्या लिखा है, बाय कटिंग द स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर, यहाँ से भी स्क्वायर कट किया, सेम यहाँ से भी, ऐसे भी और एक ऐसे भी, समझ में आ गया। और कितना कट किया हो आपने, जो स्क्वायर कट किया साइड को क्या मान लिया आपने x, तो मैं लिख दूं लेट साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर x सेंटीमीटर, ठीक है, समझना इसको ध्यान से, एक x करके दिखाते। देखो ये आपके सामने स्क्वायर, एक स्क्वायर के सामने कोने कोने से एक स्क्वायर कट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो आपने भी देखो देखा यहाँ पे कट करने के बाद एक बॉक्स जैसा बनने वाला है, ये सेम कट किया हमने जैसे क्वेश्चन में लिखा है। अब देखो ऐसा हो गया, सेम ऐसे तो ये अगर आप इसे कट कर दोगे तो ऐसे फॉर्म बन जाएगी, चारों कोने कट जाएंगे, और इन्हें अगर आप ऐसे मोड़ दो इस तरीके से, इस तरीके से देखो, हाँ या ना, एक बार बताओ। अब इसे आप एक कोने से, चारों कोने से काट कर इनके इस वाली इस जो साइड है से अब ऐसे फोल्ड करोगे तो ये बॉक्स नहीं बन जाएगा, हाँ या ना, ऐसा बॉक्स बन जाएगा, चेक करो क्या बॉक्स ठीक है, यही बॉक्स बनेगा ऐसा ही। और क्या लिखा है, विदाउट टॉप, और इस बॉक्स से देखो छत नहीं है, छत है नहीं, ये जैसा लग रहा है मिठाई के डब्बे की तरह, सिर्फ इसका नीचे नीचे का बेस दे रखा है। तो ये कट करने के बाद इसको मैंने फोल्ड किया तो इस तरह से एक डब्बा सा बन गया, ये बॉक्स बन गया विदाउट टॉप, उसमें छत नहीं है। तो फील करो कि इस ऐसा ही फिगर बना होगा, ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया ये इस तरह से बना है कुछ, सबको दिखाई दे रहा है, कोई डाउट यहाँ तक, दोबारा देख लो ऐसा हुआ ये। तो बच्चों एक बार नोटिस करना, ये पूरा 18 था, अगर मैंने यहाँ से x सेंटीमीटर कट कर दिया, ठीक है, अब देखो जो ये बॉक्स बना है, ये बॉक्स किस शेप में बन गया, रेक्टेंगल शेप का बन गया, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ, और ये इसकी हाइट हो गई, हाँ या ना, देखो देखो ना ये बॉक्स में, देखो ये लेंथ ब्रेथ और ये हाइट, फील करना समझना। तो लेंथ जो बॉक्स बनेगा कटने के बाद इस तरह से बनेगा बॉक्स, फिर ऐसे आप फोल्ड कर दोगे, ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ऐसी फिगर बन जाएगी। जो लेंथ बन गई वो क्या बनेगी, देखो ये एक्स है, ये भी एक्स है, सेम काटा है, स्क्वायर काटा है मैंने, तो 18 माइनस 2x, चेक करो क्यों, ये क्या बन गया बेटा 18 माइनस 2x, क्योंकि इस पूरे 18 में से एक एक्स यहाँ से कट गया और एक एक्स यहाँ से कट गया, चेक करो। इन द सेंस मान लो 3 सेंटीमीटर मैं यहाँ से काटता हूँ, 3 सेंटीमीटर यहाँ से काटता हूँ, तो बीच में कितना रह जाएगा, 6 निकल गया, 18 में से 6 निकल कितना बचा 12, अगर मैं इसे फोल्ड कर दूंगा बॉक्स बनेगा तो बॉक्स की जो लेंथ बनेगी कितनी बनेगी, केवल 12 सेंटीमीटर, क्यों 18 था 3 हटा दिया और 3 यहाँ से हटा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बेटा इसकी ब्रेथ बताओ, जी टोटल 18 थी, सेम वही बात, एक एक्स यहाँ से निकल गया, एक एक्स यहाँ से निकल गया, क्या बचेगा 18 माइनस 2x, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है उसकी हम ब्रेथ की बात कर रहे हैं 18 माइनस 2x। अब हाइट बताओ, देखो ऐसा था ये प्लेन, इसे फोल्ड कर दिया तो जो पार्ट मैंने तक कट किया है वही पार्ट ऊपर चला गया, उसकी हाइट बन गई, तो हाइट क्या रह जाएगी
एक्स। जहाँ तक मन में डाउट हो तो बताओ, फील करना आया आपको ना क्या बनाना है, बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो आपके पास एक स्क्वायर था, आपने इसके चारों कोने से कट करके उसे फोल्ड किया तो एक बॉक्स जैसा बना, ठीक है। और लेकिन उसकी छत नहीं है जैसे आपको मैंने दिखाया रफली बना के, और उसमें लेंथ थी 18-2x, ब्रेथ है 18-2x, और बच्चों हाइट क्या है, सिर्फ एक्स है। यहाँ तो कोई डाउट मन में नहीं है। एक बात बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच है ना। यहाँ बताओ एल कितना है, 18-2x, वेरी गुड। ब्रेथ कितना है और एच कितना है, एक्स। ये हो गया बच्चों 18-2x का होल स्क्वायर इंटू में एक्स। देखो वॉल्यूम यहाँ पे देखो v इक्वल टू क्या रखा, दिस। यहाँ पर सिर्फ केवल एक ही वेरिएबल है वो है x, रख कर दो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। पहले वाला सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वाला सेम, फर्स्ट का करेंगे तो 2 आ गई, एक पावर कम। 18 का करेंगे 0-2, ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, केवल 2। तो 18-2x का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 और 2 जा 4, -4x, ब्रैकेट में 18-2x। यहाँ तक मन में डाउट है कुछ नहीं है, इक्वल टू 0 कर दो, 18-2x का होल स्क्वायर -4x, 18-2x इक्वल टू 0। नेगेटिव का पॉजिटिव भेज दो, 4x 18-2x, हाँ जी कट सकता है। देखो तो यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर दो है, यहाँ पे एक पावर रह जाएगी 18-2x, यहाँ से 4x रह जाएगा, इधर ले जाओ 18 इज इक्वल टू 6x, 18 डिवाइड बाय 6, तो 6 3 जा 18। देखो 6 3 जा 18, x तो आपका 3 आ गया। भैया हमने जो कट किया है स्क्वायर वो कितने सेंटीमीटर का कट किया है, 3 सेंटीमीटर का। इतना काम मुश्किल था, इसी था कर दिया, लेकिन अभी मेरा काम कंप्लीट हो गया क्या, हाँ या ना, नहीं। अब हमें क्या करना है, चेक करो कुछ रह भी गया है, हर कोई ध्यान देगा क्या रह गया है। आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे वॉल्यूम को आपने मिनिमम तो प्रूफ किया ही नहीं, हाँ या ना। अब तक केवल आपने यह बताया है कि भैया जो कट करोगे वो 3 सेंटीमीटर कट करोगे, लेकिन वॉल्यूम को मिनिमम तो करके दिखाओ। चेक करते हैं कहाँ करें कहाँ करें। देखो उसके बाद यहाँ देना, यहाँ तो कॉपी किया सबने, ठीक है। अब हम लिखेंगे डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे इसका, 2 आगे 18-2x की पावर 1, अब 18 करेंगे 0-2 बचेगा केवल, -4। देखो -4 का -4 है ना, तो ठीक है, x का तो 1, x का रहेगा सेम, x का x रहेगा, 18 का करेंगे तो क्या आएगा 0-2x -2। देखो x का फर्स्ट वाला सेम, सेकेंड का करेंगे तो आएगा -2, प्लस 18-2x का 18-2x रहने दो, और x का करेंगे तो क्या आएगा 1, -4 18-2x -2x 18-2x 18 4 जा 72, -4 2 जा 8x, प्लस 8x 18 4 जा 18 4 72, -72 और -, प्लस 8x। हाँ जी, यहाँ तक मैं कोई दिक्कत आते हैं। देखो पहले हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, 72 आया, -, प्लस -, प्लस -, प्लस। देखो चेक करना, 8x 24x, 72 2 4 14 144, एक्स की जगह 3 पुट कर दो तो 24 मल्टीप्लाई 3 -1 24, 3 कितना आ गया था ये 24, 3 चौक 12 की 2, हाँ सीधे 1 3 2 6 और 1 7, ठीक है। तो 72 में से 144 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -72, लेस देन 0, इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम। क्या प्रूफ कर दिया हमने इसे,
मैक्सिमम। कोई डाउट यहाँ तक? तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, वैल्यूज निकाल लिया लेकिन अगर ये नहीं किया नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, पूरा करके आना एग्जाम में, ठीक है? कोई डाउट भी बच्चे के मन में यहाँ तक? तो जो बच्चे यूट्यूब में वीडियो देखते हैं मैं सबसे कहता हूँ बेटा पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, मैं को दोबारा रिपीट करूँगा, इसे नोट करो।